नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो पर, इस छोटी सी वीडियो पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज का दिन बहुत ही हमारे लिए खास दिन है। और खास दिन क्या है दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं। और आज हमारे इस बिल्डिंग में, हमारे ये जो बिल्डिंग में दिख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में आज एक शुभ काम करने जा रहे हैं। और ये शुभ काम दोस्तों, जो रूम का जो पूजा पाठ, इसको प्रतिष्ठा बोला जाता है, तो ये चीज़ आज हम लोग इस रूम का प्रतिष्ठा करेंगे। और इस रूम को के तरफ से ये रूम का प्रतिष्ठा, रूम का पूजा पाठ होगी, ये आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। और कौन सा दुकान है दोस्तों, क्या चीज़ का दुकान खोलने वाले हैं, सब अब वीडियो में पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो में आप लोगों को पूजा पाठ करते हुए दिखाएंगे, और साथ साथ पुजारी से भी मिलवाएंगे, पुजारी से भी परिचय कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी रूम में पूजा पाठ हो रही है आज। और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये पहले से ही कपड़ा सब रखे हुए हैं। और आज ये दुकान में कपड़ा का दुकान होगा, और ये कपड़ा रखा हुआ अभी, ये देखिए पूजा पाठ हो रही है, पूजा पाठ चल रही है अभी। इसमें ज़्यादा जन को हम लोग बुलाए नहीं हैं इन लोगों ने। देखिए हमको भी, इन लोगों को मैंने भाड़ा दिए हैं इस रूम का भाड़ा हम दे दिए हैं। तो हमको बुलाया गया है, मालिक घर मालिक के हिसाब से बुलाया है, फिर हम शामिल हो गए हैं। पूजा पाठ शुरू हो चुका है अभी, और इसमें ज़्यादा जन वो लोगों के तरफ से भी नहीं है, क्योंकि दो जन है, दोनों भाई बहन है। और ये जो दिखाई दे रहा है लड़का, उसी के नाम से ये दुकान खोल रहा है। तो उसका बहन दानसाई जो बैठी है, और दोनों ही इस दुकान में बैठेंगे। और ये जो पूजा पाठ चल रही है, ये हमारे आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार से चल रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा पाठ हो रही है, जो कि हमारा जो पूजा करने वाला ब्राह्मण है, वो भी हम लोग गाँव देहात से आए हुए हैं, और कुछ समझा रहा है ये दोनों को। और हम लोग बैठ चुके हैं दोस्तों पूजा के सामने, कुछ बातचीत हो रहा है हम दोनों के बीच में। कोई कोई
बहुत ही धूमधाम से जो पूजा हो रही है। अभी देख सकते हैं आप लोग कि एक कोना में पूजा चल रही है, घर के कोना में पूजा चल रही है। इसके बाद यहाँ और भी सजावट होगा, कपड़ा लेके आएंगे, और भी लोग लेके आएगा कपड़ा। ये तो थोड़ा सा कपड़ा लिया हुआ है। और पूजा दोस्तों अब प्रसादी चढ़ा रहा है, इसका मतलब पूजा कंप्लीट होते जा रहा है अभी। और पुष्पांजलि हो रही है, प्रसाद भी चढ़ाया गया है, सब कुछ दोस्तों बहुत जल्दी पूजा पाठ हो गई हो रही है अभी। बहुत ही शांतिपूर्वक है। और ये दोस्तों जो रोड के किनारे ही ये दुकान जो बनाया गया है। पूजा हो चुका है अभी, अब प्रसादी जी प्रसादी जी निकाल रहा है, प्रसादी बनाएंगे अभी। पूजा पाठ तो ख़त्म हो चुका है, इसको भिंगा के उसको अच्छा से प्रसादी बनाएंगे, इसीलिए पूजा से हम लोग उठ चुके हैं। कंप्लीट हो चुका है पूजा, अब प्रसादी बनाएंगे और सबको प्रसादी थोड़ा थोड़ा देंगे। तो आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाए कपड़ा दुकान का, कपड़ा का दुकान खोलने वाले हैं, तो इसीलिए पूजा पाठ हो चुका है। और पूजा पाठ होने के बाद दुकान रूम में कपड़ा का दुकान होगा, जो कि हर किसी का कपड़ा, जैसे जेंट्स का, लेडीज़ का, बच्चों का, बुजुर्ग का, धोती साड़ी सब कुछ दोस्तों इस दुकान में उपलब्ध होंगे। तो पुजारी भी हमारे वो गांव देहात से हैं, और इन गांव देहात के पुजारी से हम लोग पूजा करवाए, तो बहुत ही अच्छा लगा इस पुजारी के पूजा में शामिल होते हुए। हमको भी बुलाया गया था और हम भी शामिल हुए इस पूजा पाठ में। और यहाँ जो कपड़ा का दुकान होगा, इस कपड़ा का दुकान में हमारे आदिवासी के जो जितने भी समुदाय हैं, जैसे हो हुआ, संथाल हुआ, भूमिज हुआ, और भी आदिवासी में जितने भी समुदाय हैं, सब के लिए ये कपड़ा यहाँ उपलब्ध होगा। तो कम दाम में, अच्छा टिकाऊ में ये कपड़ा उपलब्ध होगा। आज आप लोग इस वीडियो में कितना कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो बहुत ही अच्छा हुआ दुकान खोले, दुकान खोलने का जो पूजा पाठ हुआ बहुत ही अच्छा है। तो दुआ करिए कि इस दुकान में हमेशा के लिए अच्छा से चले, ग्राहक आए, और आप लोग भी आ सकते हैं इस दुकान में। जो कपड़ा जब खरीदना होता है तो आप लोग आ जाइए, कम दाम में अच्छा क्वालिटी का कपड़ा यहाँ पर। आज का वीडियो में इतना ही, तो बाय बाय, जोहार।